चलिए बच्चा स्टार्ट करेंगे। बच्चा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कंपनी के क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कंपनी के क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट वॉज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब कंपनी अलग है, कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। एक्चुअली में इन्होंने बोला कि कंपनी और मेंबर एक नहीं है, दैट वॉज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी बोलते हैं, क्योंकि इंसान थोड़ी ना है, कंपनी इंसान है क्या? नहीं। उसे हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कानून की नजरों में कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर अलग है। कानून की नजरों में कंपनी में अगर केस किया जा रहा है तो वो कंपनी में किया जा रहा है, कंपनी के मेंबर में केस नहीं किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। थर्ड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी इंसान है क्या? इंसान आया है तो जाएगा भी, है ना, मर तो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा भैया कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है ना, वो कैसे मरेगी? वो तो मर ही नहीं सकती, तो कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन। इसमें मैंने आपको एक केस भी बताया था, एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें सारे के सारे मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट थे, वहां पर बॉम्ब फेंक दिया, सब मर गए, लेकिन कंपनी तो जिंदा थी। क्या बॉम्ब मार सकता है क्या कंपनी को? बिल्कुल भी नहीं। चलो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, मेंबर की प्रॉपर्टी अलग है। मेरी ये बिल्डिंग है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो रिलायंस कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, मैं मेंबर, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग। क्या कंपनी की प्रॉपर्टी बच्चा क्या मेरी हो सकती है? नहीं। क्या मेरी प्रॉपर्टी कंपनी की हो सकती है क्या? नहीं। चलिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। दो टाइप की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर इजिली ट्रांसफरेबल है, मतलब आप बेच सकते हैं इजिली। रिलायंस कंपनी के शेयर आज मैंने खरीदे 20,000 में, मुझे बेचना है बच्चा, बेच दूंगी, उसको किसी और को बेचना है वो भी बेच देगा, तो इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफरेबल इजी नहीं है, हो जाता है लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, ठीक है। चलिए कैपेसिटी टू सू एंड बी सू मतलब क्या? कंपनी में भी केस फाइल किया जा सकता है और कंपनी भी किसी केस में, है ना, फाइल कर सकती है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कंपनी भी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कंपनी का एक क्या होता है बच्चा? मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम में जो जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, जो जो लिखे हैं कि कंपनी ये काम कर सकती है, कंपनी बस वही काम करेगी, उससे एक ज्यादा काम नहीं करेगी। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का क्या होता है बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। मेंबर क्या होता है? कंपनी का मालिक। तो बच्चा कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो संभालते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। ये कंपनी के क्या होते हैं बच्चा? एम्प्लॉयज। वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, कंपनी बनाई जाती है, लोग खुद से वॉलेंटियर बेसिस में इकट्ठा होते हैं, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्लियर है बच्चा? टर्मिनेशन, कंपनी मर सकती है, लेकिन उसके पेट में हम चाकू मार देंगे तो मर जाएगी क्या? कैसे मरेगी? लॉ से। लॉ जिंदा करता है और लॉ ही मारता है। ये सारी चीजें पढ़ ली थी, जितने भी नए बच्चे उनको नहीं समझ में आया चलेगा, है ना, ये तो रिविजन था। चलिए रिविजन हो गया बच्चा, अब आते हैं अपन फ्रेश टॉपिक में। दुकान थी, हाँ बच्चा, उसने अगर आज कंपनी बना ली है तो उसने ये सारी चीजें करी ही होंगी। उसने अपना एक मेमोरेंडम बनाया होगा, उस मेमोरेंडम में लिखा होगा कि मेरी कंपनी ये काम करेगी। अरे बहुत खतरनाक लेवल में कमा रहा है भैया, एमबीए चाय वाला, है ना, छोटा बच्चा है यार। सुन नहीं पाई मैं उसका क्वेश्चन। हाँ बच्चा, वेरी 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 गुड। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है बच्चा। क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट है? क्योंकि आज मैं किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट तुम्हें खोल के दिखा सकती हूँ बच्चा। मैंने आपको बताया है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके, MCA फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसकी प्रॉपर मैंने गवर्नमेंट की एक वेबसाइट दिखाई थी आपको, उस वेबसाइट में मैंने बोला था जो चाहे जिस कंपनी का आप देख सकते हो, ठीक है, वहां पे आप किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जस्ट कितने रुपए में? 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100 रुपए में। अभी जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन वेबसाइट में दिखाई थी वो फ्रीली अवेलेबल थी, ठीक है, लेकिन आपको और अंदर की डिटेलिंग देखनी है तो उसके लिए आपको सरकार को कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपए। 100 रुपए में आप कंपनी की हर चीज देख सकते हो,
कंपनी ने कितने का लोन लिया, ये तो आपने देख लिया था। कंपनी ने क्या क्या चार्ज में रखा है बच्चा, कंपनी की बैलेंस शीट तक आप देख सकते हो 100 रुपए में, जिस कंपनी की देखनी है देखो बच्चा। वन टाइम नहीं, नहीं वन टाइम नहीं, मतलब पहली बार अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो 100 रुपए। आपको लग रहा है नहीं नहीं कोई इन्फॉर्मेशन निकालना मैं भूल गई, फिर तो 100 रुपए पे करो, बार बार आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी मुट्ठी में 100 रुपए से आप क्या कर सकते हो बच्चा, 100 रुपए कितना ही होता है यार, इतना तो हम खा कर उड़ा देते, इतने तो मोमोज खा जाते हैं अपन, है ना। तो 100 रुपए में आप कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देते हो। मैंने आपको कंपनी के अलावा एक और कॉन्सेप्ट बताया था, LLP पढ़ेंगे आज, ठीक है बच्चा। ये भी एक कंपनी जैसी ही, कंपनी जैसी ही है ना यूनिट होती है। इसकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कितने रुपए में मिल जाएगी, 50 रुपए में, क्योंकि कंपनी बड़ी होती है। इन्होंने कहा इसके हम 50 रुपए नहीं लेंगे, इसके हम 100 रुपए लेंगे। LLP कंपैरिजन वाइज छोटी होती है, इन्होंने कहा इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कितने में मिल जाएगा, 50 रुपए में। आपको दिखाऊंगी वो भी मैं आगे चलकर, ठीक है। चलिए बच्चा, क्या हम ये पढ़ चुके हैं कंपनी का मीनिंग पढ़ चुके हैं, आ जाओ एकदम फ्रेश टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक। कंपनी के मीनिंग में अभी जितने भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, देखो कंपनी के मीनिंग में वो सब आ रहा है। कंपनी क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, आपने खुद मिलकर ग्रुप बनाया ताकि आप क्या कमा सको, प्रॉफिट। क्या आप इस कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं, हाँ बच्चा। क्या मेंबर की लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, हाँ बच्चा। क्या ये कॉमन सील होती है इसकी, हाँ। क्या इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, हमेशा जिंदा रहती है, हाँ। आर्टिफिशियल बॉडी कौन मारेगा इसे, बस लॉ मार सकते। चलिए अब ये कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील क्या होता है, हर कंपनी की अपनी एक सील होती है। मैं इंसान हूं, मैं साइन कर सकती हूँ। कंपनी इंसान नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या वो खुद से साइन कर पाएगी, क्या नहीं। तो कंपनी की बना दी जाती है सील, कंपनी की बना दी जाती है सील, लेकिन वो सील नहीं होती है, वो क्या होती है बच्चा, कॉमन सील। कंपनी की हमेशा क्या होगी बच्चा, कॉमन सील। आपको यहाँ पे दो टाइप की सील दिख रही है, एक में इंक है, किस कलर की इंक है बच्चा, ब्लू इंक है, और एक में इंक नहीं है, एक में इंक नहीं है। इसे हम बोलते हैं सील, इसे हम बोलते हैं सील, जो आप सबने देखी है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, हर जगह आपने सील देखी है ना। स्कूल की सील होती थी तो वो इंक, ब्लू कलर की इंक होती थी तो वो सील होती थी, लेकिन क्या इसे आपने देखा है, नहीं। इसे बोलते हैं कॉमन सील, इसे बोलते हैं कॉमन सील। कंपनी की सील नहीं होती है, कंपनी क्या होती है, कॉमन सील। वापस कंपनी का सिग्नेचर अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी का सिग्नेचर क्या है, वो तो आर्टिफिशियल बॉडी है, वो तो साइन नहीं कर सकती है, मैंने तो बच्चा यहां साइन कर दिया। तो कंपनी का साइन जो होता है वो साइन होता है कॉमन सील, जो कि इंकलेस होता है, जो कि इंकलेस होती है। ऐसी एक मशीन होती है, इस मशीन को आप प्रेस करोगे पेपर में तो ऐसी उभरी हुई चीजें आएंगे, दैट वॉज कॉमन सील। कौन संभाल के रखता है, CS, कुछ पूछ रही थी, कंपनी बस यूज करती है, LLP भी करती है, ठीक है। लेकिन ये मेनली कंपनी को लेकर है। कंपनी ये वाली सील भी बनाती है, लेकिन ये कंपनी का साइन नहीं है, ये कंपनी का साइन नहीं है। कंपनी की अगर साइन की बात होती है तो वो हमारी कॉमन सील ही होती है। क्या ये बात समझ में आई, ये लगाती है लेकिन वो अनइंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगाती है। कौन सी बच्चा, कलर तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कलर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि इंपॉर्टेंट जो मेन साइन जो सिग्नेचर है वो यही है, सील कंपनी की कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये अनइंपॉर्टेंट, ये अनइंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगती है और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये हर किसी में हम लगाते नहीं फिरते। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आया उसमें ये सील चिपका दिया जाती है। आप अपने कॉलेज स्कूल में देखोगे तो आपको ये सील आपको मालूम ही नहीं होती है कि बच्चा अगर आपका कॉलेज आपका स्कूल एक कंपनी है तो उस कंपनी के कॉमन सील भी होगी ही। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन क्या आपके चिल्लर से डॉक्यूमेंट में क्या वो वाली सील लगा देंगे, नहीं, वो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में लगती है, वो कंपनी का साइन है। कौन संभाल के रखता है, कंपनी का CS। बच्चा कंपनी में अगर CS है तो वो इस सील को संभाल के रखेगा। वो सील कहाँ कहाँ लग रही है, वो पूरी CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। CS को पकड़ के पूछा जाएगा, भाई ये इस जगह इस डॉक्यूमेंट में कैसे आई, अगर वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके। अगर कंपनी में CS है तो, कंपनी में अगर CS नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, उसके किसी एक डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भैया हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओम को मैंने बना दिया रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, ओम की ओम के पास ये कस्टडी में रहेगा संभालकर, ठीक है। चलो समझ में आ गया कॉमन सील। चलिए बच्चा अभी नोट्स में नहीं, पहले हेडिंग देखेंगे। हेडिंग क्या लिखा है, नेशनैलिटी की बात करेंगे बच्चा, नेशनैलिटी की बात करेंगे। नेशनैलिटी मतलब हम सब क्या है, इंडियन है, हम सब क्या है बच्चा, इंडियन है कि नहीं है बताइए, है
रेसिडेंस कहाँ रहते हो? इंडिया में रहते हो, एक एड्रेस होगा, एक एड्रेस होगा, यस और नो? वापस वापस वापस, हम एक इंसान है क्या? हमारी एक नेशनैलिटी है, यस और नो? है, हम इंडियन है। क्या हमारा एक रेसिडेंस है? क्या हमारा एक एड्रेस है? हाँ, हमारा एक एड्रेस है। आप यहाँ रहते हो, आप जबलपुर में रहते हो, जबलपुर में आपका एड्रेस है। लेकिन काम करने के लिए आप अगर सीएस, एज अ सीएस आप किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाते हो तो आप दिल्ली मुंबई जा सकते हो। लेकिन आपका रेसिडेंस कहाँ होगा बच्चा? आपका मेन परमानेंट एड्रेस कहाँ होगा? जबलपुर में। बाकी तो आप काम के लिए जा रहे हो, वो सब ऑफिस एड्रेस से हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, तीसरी चीज, तीन चीजें है। नेशनैलिटी मतलब क्या होता है बच्चा? इंडियन। रेसिडेंस मतलब क्या होता है? एड्रेस। और तीसरी चीज क्या पूछिए बच्चा? सिटीजन। क्या आप इंडियन सिटीजन हो? हाँ, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम इंडियन सिटीजन है। सिटीजनशिप हमेशा किसको मिलती है बच्चा? इंसान को। सिटीजनशिप किसको मिलती है बच्चा? हमेशा इंसान को। अभी मोदी जी ने कानून बनाया था तो सारे के सारे इंसान बोल रहे थे ना, सारे के सारे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा था उस टाइम पर, है ना? मुस्लिम कह रहे थे कि भैया हम भी इंडियंस है। बच्चा हाँ, वो भी इंडियंस है, लेकिन हाँ कानून के कार्य में उनका वो झगड़ा हो रहा था। वापस आएंगे बच्चा, अगर मैं कंपनी और एक इंडिविजुअल की बात करूंगी, इंडिविजुअल मतलब इंसान, इंडिविजुअल मतलब इंसान, दोनों में बाइफर्केशन की बात करूंगी, क्या कोई कंपनी इंडियन हो सकती है? हाँ, रिलायंस कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी। रिलायंस कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी। मैं क्या हूं? इंडियन। क्या अगर मैं नेशनैलिटी की बात करूं तो कंपनी भी इंडियन है और इंसान भी इंडियन है? अगर मैं रेसिडेंस की बात करूं तो बच्चा रिलायंस कंपनी का रेसिडेंस है, रिलायंस कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, रिलायंस कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, यस और नो? बच्चा मेरा भी एक ऑफिस है, सॉरी, मेरा भी एक एड्रेस है कि नहीं? मेरा भी एक एड्रेस है कि नहीं? क्या दोनों के पास एड्रेस है कि नहीं? यस और नो बताइए बच्चा, है? लेकिन अब मैं सिटीजन की बात करूं, सिटीजनशिप हमेशा किसको मिलती है बच्चा? इंसान को। कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं होती, कभी सुना है क्या? हम इंडियन सिटीजन है, हम अपने आप को बोलते, कभी हम बोलते रिलायंस कंपनी इंडियन सिटीजन है? हम बोलते हैं नेशनैलिटी, रिलायंस कंपनी इंडियन है, लेकिन क्या इंडियन सिटीजन है? सिटीजन कौन होता है? सिटीजन होने के लिए आपको पहले क्या होना चाहिए? इंसान। क्या कंपनी इंसान है? क्या कंपनी इंसान है? क्या नहीं? एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कंपनी की नेशनैलिटी है, तो आंसर है यस। क्या कंपनी का रेसिडेंस है, तो आंसर है यस। क्या कंपनी की कोई सिटीजनशिप होती है, आंसर है नो। एक इंसान को ये सारी चीजें मिलती है, एक इंसान को ये सारी चीजें मिलती है, लेकिन कंपनी के केस में, कंपनी के केस में बच्चा कंपनी को क्या नहीं मिलता? सिटीजनशिप। अब आपके नोट्स में आएंगे फटाफट, हेडिंग देखो, हेडिंग में लिखा है बच्चा नेशनैलिटी और रेसिडेंस, नेशनैलिटी और रेसिडेंस। कंपनी के नॉट बी अ सिटीजन, कंपनी कभी भी क्या नहीं बन सकती? सिटीजन नहीं बन सकती, क्योंकि सिटीजन बनने के लिए आपका पहले इंसान होना जरूरी है, एक आर्टिफिशियल बॉडी थोड़ी है ना सिटीजन होगी। येट इट हैज नेशनैलिटी, कंपनी की नेशनैलिटी है इंडियन, इंडियन कंपनी। कंपनी का डोमिसाइल है बच्चा, कंपनी का रेसिडेंस है, डोमिसाइल मतलब रेसिडेंसी होता है बच्चा, डोमिसाइल मतलब रेसिडेंसी होता है, मतलब नेशनैलिटी इंडियन है और रेसिडेंस क्या है बच्चा? एड्रेस, कंपनी का एड्रेस है। आज मैं अगर खटवानी की बात करूं, जबलपुर में खटवानी का नाम सुना है बच्चा? खटवानी की कंपनी है, कंपनी है खटवानी सर की, ठीक है? तो वो जो कंपनी है उसका एड्रेस कहाँ है? जबलपुर में एड्रेस है, ठीक है? क्लियर बच्चा? चलो, डोमिसाइल इज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। डोमिसाइल क्या होगा? रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब क्या होता है? ऑफिस। खटवानी सर का ऑफिस कहाँ है बच्चा? खटवानी सर का ऑफिस कहाँ है बच्चा? आपको खटवानी सर का ऑफिस रानीताल में दिख जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे रिलायंस, रिलायंस कंपनी, खटवानी छोटी कंपनी दिख रही है क्योंकि जबलपुर की है, रिलायंस बड़ी कंपनी दिख रही है ना। रिलायंस का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है बच्चा? मुंबई। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डोमिसाइल मतलब कंपनी का एक डोमिसाइल होता है, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। क्या ये बात समझ में आई? इंसान का भी होता है एड्रेस, कंपनी का भी होता है। लेकिन सिटीजनशिप की जब बात होती है तो बच्चा इंसान को सिटीजनशिप मिलती है, कंपनी को सिटीजनशिप नहीं मिलती। अब घुमा फिरा कर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपनी एक लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन मतलब कानूनन पर्सन है, एक्चुअल में कोई जीता जाता इंसान है क्या? नहीं। इट इज नॉट अ सिटीजन अंडर द एक्ट, एक कानून बना है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यही एक्ट था जो मोदी जी ने किया था कोविड से पहले, जिसमें धरना में बैठ गए थे बहुत सारे लोग, ठीक है बच्चा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है और जो एक कानून है सिटीजनशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग कभी भी कंपनी सिटीजन नहीं बन सकती। याद रहेगा क्या? फिर से, सिटीजनशिप एक्ट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? बचपन में पढ़ा था संविधान, पढ़ा था, यहां भी पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगी मैं संविधान, ठीक है? आपके कुछ फंडामेंटल राइट थे याद है? बताओ यार, राइट टू इक्विटी,
राइट टू फ्रीडम, वेरी गुड, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा टोटल कितने फंडामेंटल राइट होते हैं? पांच की छह के साथ सात हो गए। अरे भैया सब पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है रहने दो यार, जोर मत डालो यार मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है फंडामेंटल राइट्स बताऊंगी। एक्चुअली अभी आपको मालूम नहीं बहुत सारी कैटेगरीज है, अगर आप खुद बोलने पे आओगे तो तुम लोग को लगेगा 10-15 फंडामेंटल राइट बता दोगे, क्योंकि एक मेन कैटेगरी होती है उसके अंदर के पॉइंट तुम लोग बताना चालू कर दोगे। राइट टू स्पीच ऐसा फ्रीडम के अंदर ही आता है, फ्रीडम है ना, तो राइट टू स्पीच मतलब फ्रीली आप बोल सकते हो ना, ये फ्रीडम के अंदर का पॉइंट है, लेकिन आप इसे गिन गिनकर इसको 10-15 पॉइंट बना दोगे, ठीक है। तो अभी मत जाओ, प्रेशर मत डालो, आओ वापस। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अमेंडमेंट लाए थे जिसके लिए वो धरना हो रही थी, प्रोटेस्ट जो हो रहा था, नहीं पास हुआ, वापस हो गया भैया बहुत सारे एक्ट वापस हो गए मोदी जी के, है ना। चलिए वापस, सिटीजनशिप एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साफ साफ बोलता है कंपनी क्या है, लीगल पर्सन, जो क्या नहीं बन सकती, सिटीजन, क्योंकि ये कानून बोलता है सिटीजन होने के लिए पहला पहला फैक्टर क्या होना चाहिए, इंसान, क्या ये इंसान है, आर्टिफिशियल बॉडी है यार। लेकिन नेशनैलिटी के लिए है ना, कंपनी भी इंडियन हो सकती है और इंसान भी इंडियन हो सकता है, कंपनी का भी एड्रेस होता है, हमारा भी एड्रेस होता है, इज दिस क्लियर। तो बस क्या नहीं होता है, कंपनी को क्या नहीं मिलता है, नेशनैलिटी मिलती है, रेसिडेंस मिलता है, क्या नहीं मिलता बच्चा, सिटीजन बस नहीं मिलता, बस यही बात याद रखनी है, राज्य, ठीक। हाँ हाँ मल्टीनेशनल कंपनी हो जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस यहाँ पे काम कर रहा है, एक से ज्यादा दूसरी कंट्रीज में भी करता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में आएगी। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन कंपनी इंडिया की है क्या, कोको कोला इंडिया की है क्या, सब एमएनसीज है, उनका मेन ऑफिस कहीं और है, पर यहाँ पे बस एक ब्रांच खोल के बैठे, ठीक है। तो मेन ऑफिस तो उनकी दूसरी कंट्री का होगी, जैसे रिलायंस का मेन ऑफिस है, टाटा का मेन ऑफिस है, लेकिन उसके बाहर भी काम करते, मेन जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है बच्चा, मेन ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स एक ब्रांच है हमारी कहाँ, रामपुर में, तो मेन ऑफिस क्या है ये, अब हमने एक रामपुर में खोल लिया, अब हमने कहीं और खोल लिया, अब हमने भोपाल में खोल लिया, इंदौर में खोल लिया, लेकिन मेन ऑफिस कहाँ है बच्चा, जबलपुर में। फॉर एग्जाम्पल दैनिक भास्कर मेन ऑफिस कहाँ है, जबलपुर में, दैनिक भास्कर कहाँ का है बच्चा, जबलपुर का, ऑल ओवर इंडिया में चलता है न्यूज पेपर, लेकिन कहाँ है मेन ऑफिस, यहाँ से निकला है वो दैनिक भास्कर, पता है आपको, इंडिया लेवल का काम यहाँ से आया, ठीक है। तो मेन ऑफिस यहाँ का, भले इंडिया में कहीं भी काम करो, इंडिया के बाहर काम करो, क्लियर है, चलो आएंगे बच्चे वापस, यहां तक ये बात क्लियर हुई, नेक्स्ट 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 टॉपिक बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके अभी मैंने आपको, बच्चा आपकी हेडिंग दिखेगी, आपको एक हेडिंग दिख रही है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, अभी बस हेडिंग, अभी कुछ मार्क नहीं करो, अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी पहले। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, यही बताया था पक्का। जनरल रूल, जनरल रूल कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग, यही बताया था, दैट वाज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। वापस से बोल रही, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब एक सेपरेट आइडेंटिटी होना, कानून की नजरों में कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है और उनकी रिलायंस कंपनी अलग है, कानून की नजरों में ये दोनों अलग अलग है, क्या ये बात समझ में आई। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ पे कुछ अजीब अजीब से वर्ड लिखे है, लिफ्टिंग लिखा है, कॉर्पोरेट वी लिखा है, ये सब क्या है। सबसे पहले एक एक वर्ड को समझेंगे, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, वापस क्या, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। इसके बाद व्हील लिखा है, ये व्हील क्या बच्चा, व्हील कर्टन बोलो बच्चा, व्हील बोलो या फिर शील्ड बोलो, ये क्या है बच्चा, कॉर्पोरेट मतलब क्या है, कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, ये लिखा है कॉर्पोरेट व्हील, ये बीच में एक पर्दा दिख रहा है, बीच में एक पर्दा दिख रहा है बच्चा, इसको पर्दा बोलो, कर्टन बोलो या फिर व्हील बोलो या फिर क्या बोलो, शील्ड बोलो, जो बोलना है बोलो। तो कॉर्पोरेट की, कंपनी की क्या है ये बच्चा, व्हील है, वापस, कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग, रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, बीच में एक दीवार है, बीच में एक दीवार है, इस दीवार को क्या बोला जा रहा है, कॉर्पोरेट व्हील, क्या ये बात समझ में आई। इसे मैं कॉर्पोरेट शील्ड भी बोल सकती हूँ, इसे हम कॉर्पोरेट शील्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज किया, दैट वॉज व्हील, व्हील का मतलब समझ में आ गया, शील्ड बोलो, कर्टन बोलो, जो बोलना है बोलो। अब बच्चा ऊपर अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और उसकी व्हील मतलब ये बीच की शील्ड की बात करें। लिफ्टिंग मतलब क्या होता है, उठा देना, बीच का जो ये पर्दा है ये हमने क्या कर दिया, उठा दिया। बच्चे ये डायग्राम दिख रहा है, बीच में एक पर्दा है, ये सब जज साहब क्या कर रहे हैं, इस पर्दे को क्या कर रहे हैं, उठा रहे। मैंने अभी वर्ड का मीनिंग बस बताया,
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील का मतलब क्या है, क्या करना, कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा था, ये पर्दा बताता है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर अलग। अगर मैंने पर्दा उठा दिया तो क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। ये एक कमरा है, बीच में मैंने पर्दा लगा दिया तो दो अलग क्लास बना दी मैंने, पर्दा हटा दिया तो क्लास क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। मतलब अभी तक मैं ये कह रही थी कंपनी अलग मेंबर अलग है, कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी की जो भी लाइबिलिटी होगी वो इस पर्दे से टकरा कर वापस कंपनी में आ जाएगी। मतलब क्या कंपनी की लाइबिलिटी के लिए क्या शेयरहोल्डर लाइबल होता है, नहीं, क्योंकि कंपनी तो अलग है ना, कंपनी के एसेट्स अलग होंगे और कंपनी की लाइबिलिटी अलग होगी। क्या मेंबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, कंपनी के साथ साथ उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अलग होंगे और उसके एसेट्स अलग होगा। अगर मैंने किसी पड़ोसी से उधार लिया है तो बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पड़ोसी का उधार वापस चुकाना, कि रिलायंस कंपनी से बोलूंगी कि अरे रिलायंस कंपनी यार चुका दे यार, मेरी पर्सनल लाइबिलिटी, मेरी पर्सनल लाइबिलिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी है क्या, कंपनी के एसेट्स अलग है, कंपनी की लाइबिलिटी अलग है और मेंबर के एसेट्स अलग है और मेंबर की लाइबिलिटी अलग है। ये कैसे पता चलता है, इस कॉर्पोरेट व्हील से। ये बात समझ में आई पक्का। अब बच्चा मैं रीड कर रही हूं, व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट व्हील, सेपरेट एंटिटी रेंडर। हम सेपरेट एंटिटी बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है। हम सेपरेट कैसे करते हैं, इस व्हील से, शील्ड से, बिटवीन, किसके बीच में खड़ी है जो बच्चा, कंपनी और मेंबर के। लेकिन 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 अगर हमें पता चले कि मुकेश अंबानी फ्रॉड कर रहे हैं, मुकेश अंबानी को ये बात पता है, भैया इतनी बड़ी पोजीशन में तो अब तो पता होगा ही, तुम लोग अभी छोटे लेवल में समझ रहे हो ना, अभी आपका सीएसईटी एंट्रेंस लेवल है, एंट्रेंस लेवल में तुम ये बात समझ रहे हो ना कि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग। मुकेश अंबानी को भी ये बात समझ में आ गई, उसके सीएस ने उन्हें समझा दिया कि सुनो कंपनी की लाइबिलिटी ना अलग होती है, एक काम करते हैं कंपनी के नाम पे कर देते हैं फ्रॉड, कंपनी के नाम पे कर देते हैं फ्रॉड, कंपनी को लाइबिलिटी चुकाना पड़ेगा, मुकेश अंबानी आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सीएस ने जाकर बता दिया कि उसको बच्चा अंबानी को। अब अंबानी क्या करेगा, यार ये तो बहुत अच्छा है, कंपनी बनाई, पूरा लूट लिया और भग लिए, क्या मेंबर से पैसे वसूले जाएंगे, नहीं, लाइबिलिटी किसके बच्चा, कंपनी की, मुकेश अंबानी ने यही समझा ना। तो साफ 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 बच्चा रूल को फिर चेंज किया गया, हमने कहा अगर आप कंपनी अच्छे से चला रहे हो तो कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की लाइबिलिटी है, आपके ऊपर आएगी नहीं, लेकिन अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बच्चा, चीटिंग कर रहे हो, तो हम भूल जाएंगे कि आप दोनों अलग अलग है, कानून बोलता है हम भूल जाएंगे कि आप दोनों अलग अलग है, हमारे लिए आप क्या बच्चा, एक हो, हम लिफ्ट कर देंगे जो कॉर्पोरेट व्हील जो आपको अलग अलग बता रही थी उसे क्या कर देंगे बच्चा, उठा देंगे। इसलिए ये देखो ये जजेस है, ये जजेस है जो उस व्हील को उठा रहे। इफ आर्टिफिशियल पर्सन नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बच्चा आर्टिफिशियल बॉडी होती है कंपनी, कंपनी का खुद का दिमाग है क्या, कंपनी ने अपना साइन बनाया लेकिन वो साइन कौन कर रहा है, मुकेश अंबानी करवा रहे होंगे ना, वो साइन कौन करवा रहे होंगे, मुकेश अंबानी, कहीं भी गलत गलत कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, फ्रॉड चीटिंग कर रहे होंगे। इन्होंने कहा भैया कंपनी खुद से कुछ नहीं करती है, उसके पीछे बैठे होते हैं चालबाज लोग जो कंपनी के नाम पर ये सारे काम करा रहे। अगर कोर्ट को पता चलता है, जजेस को पता चलता है कि कंपनी के नाम का बिल फाड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कंपनी की लाइबिलिटी हमारे सर पर नहीं आएगी, अगर इलीगल काम करते हुए पकड़े गए, अगर फ्रॉडुलेंट काम करते हुए पकड़े गए, तो हम भूल जाएंगे कि कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की है, हम भूल जाएंगे ये किसकी लाइबिलिटी है, मेंबर की, किसकी लाइबिलिटी है, मुकेश अंबानी की। तो ये कर्टन क्या कर दिया जाएगा, उठ जाएगा, अगर ये क्या करते हुए पाए जाएंगे बच्चा, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। देर इज नीड टू बी आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन गिल्टी पर्सन है, कौन है वो गंदा इंसान जिसने ये सारे फ्रॉड चीटिंग किया है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगर मैंने आपसे सिंपल पूछा व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट व्हील, तो कॉर्पोरेट व्हील वो बीच की कड़ी है, वो बीच की दीवार है, पर्दा है जो दोनों को बताता है कि ये अलग है, ये अलग है। इस कॉर्पोरेट व्हील को मैंने क्या कर दिया बच्चा, लिफ्ट, तो इसका मतलब क्या बच्चा, दोनों को एक मान लिया जाएगा और सारी लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी, मुकेश अंबानी मेंबर्स की। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का पक्का, मेंबर ही वो ओनर है, बाकी ओनर सुनी हुई हो बच्चा, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे तुम्हें लगता मैंने कुछ किया होगा, अंबानी फंसेगा, क्योंकि हम जब कर्टन उठाएंगे तो टेबल में बैठा कौन मिलेगा, मुकेश अंबानी की मैं, मुकेश अंबानी, जजेस देखेंगे ना कौन कंपनी में डेली डेली आता था, किसने साइन करवाया, भैया मैं तो एक सिंपल रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ जो आपको पढ़ा रहा है बच्चा, मैं क्यों फंसूंगी। मीटिंग होती है, हाँ हमें तो पूरे भीड़ में सारे मेंबर्स बैठे हैं, यहाँ पे मुकेश अंबानी ने गलत गलत बता दिया,
कि सुनो हम सब ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, जबकि वो गलत था। स्पीच किसने दी? गलत वाली, मुकेश अंबानी ने। तो जजेस ये सारी इंक्वायरी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, कि सीधे सारे शोल्डर पे जेल में डाल देंगे? इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में फंसेगा वही जो एक्चुअल में गलत है। हम लोग नहीं फंसेंगे, हम तो भीड़ का पार्ट थे भैया, हमें तो बोला कि ऐसा होगा, हमने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ हम तो फेवर करें। क्लियर है? तो इंक्वायरी बैठी जाएगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई अ पर्सन जो कि गिल्टी है। पर अगर हमने गिल्टी किया, मैंने अगर गिल्टी किया तो मैं भी फंसूंगी इंक्वायरी में। क्या ये बात समझ में आई? पक्का पक्का समझ में आया? अगर मैं कुछ इनकॉर्पोरेट भी तो क्या बताओगे? कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। कैसे पता चलता है? उस कॉर्पोरेट व्हील से। कॉर्पोरेट व्हील वो बीच की दीवार है जो बताती है कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, दोनों की लाइबिलिटी अलग अलग है, एक दूसरे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ बच्चा ये कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर क्या दिखता है हमें? इलीगल काम, फ्रॉडुलेंट काम, तो हम भूल जाएंगे कि कंपनी अलग अलग है। हम मानेंगे भैया आप ही हो सब कुछ, कंपनी तो कुछ है ही नहीं। अभी तो हम क्या कह रहे थे? कंपनी है। अब क्या बोल रहे हैं? कंपनी तो कुछ है ही नहीं, जो है आप हो, आप चुका। इज दिस क्लियर? अब आपके नोट्स में आएंगे, आ जाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आएंगे बच्चे, अंडरलाइन करें। कंपनी बींग आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। खुद से उसके पैर नहीं आ जाएंगे जो चलकर चली जाएगी और कहीं से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर लेगी। इट कैन ओनली एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन। इसके पीछे कुछ इंसान बैठे हैं, नेचुरल इंसान बैठे हैं जो अपना दिमाग लगा रहे। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब पर्दा उठा देना, लिफ्ट करना, उठाना। या फिर क्या लिखा है? पियर्सिंग, कान की पियर्सिंग होती है, नोज की होती है, मतलब क्या छेद करते हैं। इन्होंने कहा वो जो कर्टन है ना बीच की, जो वो दीवार है ना, उसमें क्या कर देंगे? छेद कर देंगे। अभी वो दीवार थी, इस दीवार से हमारा ऑफिस अलग अलग लग रहा है, दीवार को हटा देंगे, दीवार में छेद कर देंगे, मतलब दीवार को गिरा देंगे। तो एग्जाम में लिफ्टिंग लिखे या पियर्सिंग लिखेंगे, एक ही बात है बच्चा। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे या फिर पियर्स करेंगे, एक ही बात है, मतलब दीवार को गिरा रहे, ठीक। चलिए, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हम जनरली बोलते हैं कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, बट सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी इज स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लॉ के द्वारा प्रिविलेज दिया गया, मतलब बेनिफिट्स। क्या ये बात समझ में आई? वापस, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, प्रिविलेज मतलब बेनिफिट्स। इन्होंने कहा सेपरेट आइडेंटिटी बताया गया है बाय द कानून कि लॉ के द्वारा दिया गया एक फायदा है, लेकिन लोग उससे नाजायज फायदा ना उठाए। हमने इसीलिए किया है ताकि कंपनी जेन्युइनली काम करे, लेकिन लोग तो भैया दिमागदार क्या कर रहे बच्चा? फ्रॉड काम कर रहे। तो अगर कोई फ्रॉडुलेंट काम करेगा तो इन्होंने कहा है बिजनेस पर्पस के लिए बस आप इसे यूज करिए, नॉट अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। हम नहीं किसी को अलाउ करेंगे कोई उसके पीछे रहकर गलत गलत काम करवाए। हाँ बच्चा, लेस्टिमेट मतलब लॉफुल, लेस्टिमेट मतलब लीगली, लीगली लीगल बिजनेस आपको करना है, ठीक है। हम नहीं अलाउ करेंगे कोई उसके पीछे रह के ना किसका सेपरेट आइडेंटिटी का फायदा होता है। क्लियर है बच्चा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एक केस पढ़ा था, उसने वो काम फिर भी लॉफुली किया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं गई। द डिसीजन जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन में लिया गया था, कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जब भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आप लिफ्ट करोगे उसकी व्हील को, लेकिन कोर्ट के जजेस को बहुत ध्यान से ये काम करना पड़ेगा, केयरफुल तरीके से करना पड़ेगा। कभी कभार ये हो सकता है कि हम जेन्युइन इंसान को ना पकड़ लें, ठीक है। अब पुलिस की इंक्वायरी बैठती है बच्चा, आपने देखा है पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो जरूरी थोड़ी ना हमेशा क्रिमिनल को पकड़े, मासूम लोग को भी पकड़ लेती है। सेम बच्चा कोर्ट को भी यही बोला है कि आप जब कर्टन उठाओगे, लिफ्ट करोगे, तो ध्यान रखना कि सही इंसान को बस आप पनिशमेंट ना दिलवा दें। किसका मीनिंग बच्चा? रेलुकेंट, रेलुकेंट मतलब नॉट वांटिंग, नहीं चाहिए। कोर्ट आर नॉट वांटिंग, रेलुकेंट मतलब नॉट वांटिंग। कोर्ट नहीं चाहती कि बाद बाद में लिफ्ट करे, कोर्ट तभी जाएगी जब उन्हें लगेगा फ्रॉडुलेंट काम हो रहा है, ठीक बच्चा। चलिए नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले मार्क करो फिर बताती। यहां तक मार्क हो गया? नीचे जो एबीसीडी पॉइंट्स है उसको पहले समझाऊंगी। यहां पे लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, कितने पॉइंट्स? जैसे ए दिख रहा है बच्चा, ऐसे बी सी डी ई एफ तक जी तक दिखेंगे, ठीक है। ऐसे पूरे पॉइंट्स दिखेंगे। इन सारे पॉइंट्स में उन्होंने क्या बताया? कब कब हम क्या करेंगे उस कॉर्पोरेट व्हील को? क्या करेंगे? लिफ्ट करेंगे। तो किन किन मैटर्स में पर्दा उठा दिया जाएगा, या फिर बच्चा सीधी सिंपल भाषा में बोलूं तो कब कब हम मानेंगे कंपनी और मेंबर दोनों एक है? कब कब मानेंगे? पहला, जब
फ्रॉड वाला काम कर रहे हो या फिर इम्प्रॉपर काम कर रहे हो, मतलब सही से काम ही कर रहे हो, फायदा उठाने का सोच रहे हो। पहला पॉइंट, ये हेडिंग याद करना है। मैं आपसे पूछूंगी कब कब लिफ्ट कर दिया जाएगा कॉर्पोरेट व्हील को, पहला कब किया जाएगा, जब फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट करोगे, पहला पॉइंट। बढ़ू आगे, दूसरा क्या लिखा है बच्चा, तो कैदी का मतलब क्या होता है, मुखौटा। मुखौटा क्या होता है, मुखौटा पहन लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं। मास्क क्या होता है बच्चा, सामने दिख कुछ और रहा है और अंदर से कुछ और, सामने से भोली भाली शक्ल बना के बैठे और अंदर शैतान है। मतलब कंपनी को आपने सामने रखा है और आप उसके पीछे पीछे क्या कर रहे हो बच्चा, गलत काम कर रहे हो। तो आपने बस कंपनी का मुखौटा पहन रखा है, कंपनी के नाम पर गलत गलत काम कर रहे हो। तो पहला पॉइंट क्या है, फ्रॉड काम कर रहे हो। दूसरा आपने क्या कर रखा है, मुखौटा मास्क पहन रखा है या प्रकैड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, आप पब्लिक पॉलिसी जनता के अगेंस्ट गलत काम करवा रहे हो। आप क्या करवा रहे हो बच्चा, कंपनी से काम करवा रहे हो जनता के अगेंस्ट, ठीक है। देन क्या लिखा है, कंपनी हैविंग अ एनिमी कैरेक्टर। अब बच्चा ये एनिमी कैरेक्टर क्या होता है समझना, मान लो बच्चा चाइना और हमारी वॉर हो गई, चाइना और हमारी क्या होगी बच्चा, वॉर होगी। जितनी भी चाइनीज कंपनी की, जितनी भी चाइना की कंपनी होंगे वो इंडिया में है कि नहीं है, बहुत सारी कंपनी है ना चाइना की, यहाँ ठीक है। मान लो चाइना और हमारी वॉर हो गई, तो ऐसा पॉसिबल होगा हम उस चाइनीज कंपनी को बच्चा किस नजर से देखेंगे कि ये भी दुश्मन है। अब चाइनीज वर्कर भी होंगे उधर काम कर रहे होंगे, हम क्या कहेंगे, ये जासूसी कर रहे हैं हमारी देश की, वहां पे खबरें पहुंचाएंगे। अच्छा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे बताओ, होगा ना। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, जब भी कभी भी वॉर होती है, जब कभी भी क्या होती है, वॉर होती है, हम जनरली बोलते हैं कंपनी अलग है, चाइनीज कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग है। लेकिन जैसे ही वॉर होगी हम क्या कहेंगे, भैया सुनो चाइना की कंपनी उसके मेंबर क्या है, एक है। अब चाइना की कंपनी जो जो कर रही है हम मान लेंगे कि वो चाइना की कंट्री के लोग करवा रहे हैं, तो हम उनको इस चीज का फायदा उठाने नहीं देंगे। तो कब हम भूल जाएंगे कि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, जब कंपनी बिलोंग करेगी हैविंग एनिमी कैरेक्टर रेसिडेंट एनिमी कंट्री, वो कंपनी बिलोंग कर रही होगी उस कंट्री से जिस कंट्री के साथ हमारी क्या होगी, दुश्मनी होगी। किसके साथ, चाइना के साथ। या फिर बच्चा पाकिस्तान की कंपनी अगर इधर है तो किस नजर से देखोगे, हम तो आने ही नहीं देंगे उसे, हम तो पहले उसको आने ही नहीं देंगे। अब जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है बच्चा, ये सारे तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ में आया बच्चा, कितने पॉइंट्स हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए, चार। पहला बताओ फ्रॉड, दूसरा फकायदे, तीसरा पब्लिक पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगेंस्ट, ठीक है। देन चौथा, अगर कंपनी बिलोंग करी एनिमी कैरेक्टर, हाँ बच्चा। थर्ड वाला पब्लिक पॉलिसी मतलब जनता के अगेंस्ट, हम बच्चा कुछ केमिकल भर के, है ना, आप कुछ जानते बच्चा होली वोली में क्या होता है बच्चा, केमिकल वाले कलर्स निकाल लेते हैं। अभी दिवाली के टाइम पर क्या होता है, मिठाइयों में क्या भर देते हैं बच्चा, जानलेवा चीजें भर देते हैं। अगर हमारी एक कंपनी है जो कि किसके अगेंस्ट काम कर रही है, जनता के अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, तो बच्चा ऐसी कंपनी में भी हम भूल जाएंगे कि भैया कंपनी ने जहर नहीं मिलाया, कंपनी के मेंबर्स ने, कंपनी ने चला रही है उन्होंने जहर मिलाया होगा ना बच्चा। कई बात समझ में आ रही, कंपनी का खुद का कोई दिमाग है, अरे भैया ऑटो में चले थी, बिल्डिंग है भैया कंपनी तो बस, ठीक है। क्लियर बच्चा, कितने पॉइंट्स हो गए, चार। कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगेंस्ट होता है, ठीक है, झगड़ा एक तरीके से, हिंदी प्रॉपर बोलो तो झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। ई पॉइंट में सोल पर्पस, कंपनी सोल पर्पस, कंपनी का सोल पर्पस मतलब कंपनी बनाया किस पर्पस के लिए गया है, टैक्स की चोरी, इवेट मतलब चोरी, टैक्स की चोरी के लिए कंपनी बनाया है बच्चा, ऐसा होता है, ठीक है, वेरी गुड। टैक्स नहीं देने वाली बात पड़ी थी हमने, कंपनी हमने बस बना दी ऑन रिकॉर्ड, एक्चुअली में कंपनी है नहीं, हम कह रहे कंपनी ने टैक्स पे कर दिया ना, हम नहीं पे करेंगे, टैक्स पे कर दिया। तो बच्चा अक्सर है ना ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग क्या करते हैं, कंपनी को बना देते हैं बस इसीलिए ताकि अपने टैक्स की चोरी करवा सके, लेकिन वो कंपनी अच्छे में होती भी नहीं है। एमसी की वेबसाइट से जाकर कंपनी बनाओगे, ऑन रिकॉर्ड बनाएंगे, बच्चा सब झूठा झूठा बना देते, एक्चुअल में वो होती नहीं है लेकिन ऑन रिकॉर्ड कंपनी बना देते। तो पर्पस क्या है कंपनी बनाने का, बस टैक्स की चोरी करना। तो कंपनी को बनाने वाला कोई एक इंसान होगा जिसने दिमाग लगाया, तो उस दिमाग लगाने वाले इंसान को पकड़ेंगे और बोलेंगे कंपनी की जो जो लाइबिलिटी होगी, किसकी लाइबिलिटी है, उस इंसान की जिसने ऑन रिकॉर्ड ये कंपनी बनाई है टैक्स की चोरी के लिए, ठीक है। इवेंट मतलब चोरी, चोरी होती है, ठीक है। अवॉइडेंस, बस इतना ही मार्क करना है इसमें, कंपनी क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है, क्या अवॉइड कर रही है, वेलफेयर, किसकी वेलफेयर की, जनता की, पब्लिक, सॉरी पब्लिक, पब्लिक बोल रही थी,
कंपनी क्या भूल गई है, क्या अवॉइड कर रही है, क्या नेग्लेक्ट कर रही है, जनता का वेलफेयर। तो कंपनी बनाया है हमने जनता की भलाई के लिए बच्चा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जनता की भलाई भूलकर बाकी सारे काम कर, तो अवॉइड कर रहे हो आप वेलफेयर, तो हम भूल जाएंगे कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, हम मानेंगे दोनों एक है। इसका एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बच्चा हमने हमने कंपनी को बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है नॉन प्रॉफिट के लिए भी हम करते हैं काम, बस दिखावे के लिए कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट के लिए, और क्या कर रहे हैं मस्त पैसा कमा रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल साई ट्रस्ट, ट्रस्ट तो है बच्चा समाज की सेवा के लिए बना है, मान लो बच्चा समाज की सेवा वो नहीं कर रहा है, वो बस दिखावा कर रहा है, लोगों से पैसे लेता होगा और उसे साई ट्रस्ट में नहीं लगाता होगा, लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं लगाता होगा, किसी और चीज के लिए लगाता होगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपकी कंपनी, हम भूल जाएंगे कि कंपनी की लाइबिलिटी अलग है, वो जो बंदा है ना जो इस पैसे का लेन देन कर रहा है उस पे सारी बात आ जाएगी, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आती है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स भी कम देना पड़ता है, कम देना पड़ता है, छूट, बस बस जितने भी मंदिर के ट्रस्ट होते हैं ना बच्चा सब इसी फायदे के लिए, सरकार की तरफ से बहुत छूट मिलती है, लेकिन बस बच्चा एक्चुअल में सच बोलूं तो वो सब दिखावा ही होता है, ठीक है। साई ट्रस्ट की तो फिर भी तारीफ करूंगी, अच्छा काम करता है, लेकिन बस एग्जांपल दे रही थी, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत सारे ट्रस्ट बनाए इस पर्पस के लिए जाते हैं कि लोगों को हम दिखाएंगे हम समाज की सेवा करें, और पीठ पीछे ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो अगर ये पता चल जाए, कर तो बहुत रहे हैं क्या, फंस गए हैं क्या सबके तब, फंसते कम लोग है बच्चा। नेक्स्ट क्या है, अब्यूज मतलब होता है मिसयूज, अब्यूज मतलब क्या होता है मिसयूज, कंपनी हैज मिसयूज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी फॉर अनजस्ट या फिर इनइक्विटेबल। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय, अनजस्ट क्या हो जाएगा अन्याय कर लो, ठीक है। इक्विटेबल मतलब क्या होता है बराबरी, इनइक्विटेबल मतलब कोई बराबरी नहीं। इन शॉर्ट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हम मिस यूज कर रहे हैं, हमने बनाया कंपनी को इसीलिए ताकि हम लोगों के साथ क्या कर सके, अनजस्ट अन्याय कर रहे हैं, अगर अन्याय करते हुए पकड़े गए तो कंपनी कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी हम नहीं मानेंगे, मेंबर्स के ऊपर लाइन भी क्या है। क्लियर बच्चा, कितने पॉइंट्स पड़े किसका, ये क्या लिखा है, एलेज अपोज टू जस्टिस, जस्टिस के अगेंस्ट, अपोज मतलब क्या होता है बच्चा अगेंस्ट होता है, एलेज मतलब आरोप लगाना। हाँ हाँ कम पे करना पड़ता है, तो ज्वाइन करो बच्चा। बच्चा जितने भी एनजीओज होते हैं ना, जितने भी समाज सेवा के लिए बने उसमें सरकार बहुत सारी छूट देता है, फॉर्मेलिटी वाइज, टैक्स वाइज, है ना, और फैसिलिटीज भी बहुत मिलती है उनको। हाँ हाँ ऑब्वियसली बच्चा ये सब आपकी ना, फॉर एग्जाम्पल आईटेक गोरीघाट में अगर लंगर करवा रहा है, कंबल बांट रहा है, तो मुझे बताओ आईटेक के बारे में आप क्या सोचोगे, हम पढ़ा भी रहे फ्री में नहीं पढ़ा रहे तुम लोग, हाँ पैसे ले रहे तुमसे, लेकिन अगर ग्वारीघाट में मैं कंबल बांट रही तो क्या इमेज बनेगी, अच्छी इमेज बनेगी, वाह यार आईटेक्स वाले, बस रिलायंस भी यही करवा रहा है। अपोज मतलब अगेंस्ट होता है, अपोज मतलब क्या होता है अगेंस्ट, मैं आपके अपोज हूं मतलब मैं आपके अगेंस्ट हूं, ठीक है। चलिए यहां तक बातें समझ में आई, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, पहला फ्रॉड, पहला फ्रॉड, कैट को आप क्या बोल सकते हैं, मास्क बोल सकते हो बच्चा, मास्क पहने बैठे हो आप कंपनी का लेकिन गलत काम कर रहे हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट हो, अगेंस्ट हो, या फिर कंपनी किसकी है, एनिमी कैरेक्टर, एनिमी कंट्री को बिलोंग करती है, या फिर आपका सोल पर्पस क्या है, टैक्स की चोरी करना, अगर आप अवॉइड कर रहे हो पब्लिक वेलफेयर, या फिर आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मिस यूज कर रहे हो, अनजस्ट कर रहे हो लोगों के साथ, तो हम भूल जाएंगे कि कंपनी अलग है, हमारे लिए कंपनी और मेंबर एक है, मतलब कंपनी की लाइबिलिटी किसकी लाइबिलिटी, मेंबर की, अपना घर वर बेच के चुकाना पड़ेगा। लेस्टिमेट कहां लिखा है, लेस्टिमेट बच्चा कौन सा वाले पॉइंट में लिखा है, अच्छा यहां लेस्टिमेट बिजनेस मतलब लीगल बताया था ना बच्चा अभी, तो मैंने इसका लीगल बिजनेस, ठीक है क्लियर बच्चा। चलो अभी आपने क्या समझा, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जनरल रूल, जनरल रूल कंपनी अलग है और मेंबर अलग, लेकिन हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, 7 पॉइंट्स में कंपनी और मेंबर एक है, फ्रॉड, मास, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एनिमी कैरेक्टर, पर्पस क्या है, इवेड टैक्स, अवॉइड वेलफेयर,
मिसयूज कर रहे हो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, दैट्स इट, क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी अलग होती है. दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी को कब कब अलग नहीं मानेंगे, क्लियर है? चलो बच्चा, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं, हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे. आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो सुना है, कहां पढ़ा है, 11th 12th में पढ़ा है, पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा है, क्या ये पढ़ा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाम सुना है अभी और मैंने ये सुनाया है, ठीक है? अब पूरा कॉन्सेप्ट भी सुनाऊंगी, लेकिन वो आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज की सभा समाप्त करेंगे बच्चा. नेक्स्ट क्लास में इन तीनों का डिफरेंस बिटवीन, जिसमें ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बारे में नहीं सुना है, बाकी सब तो सुना सुना है ना, ज्यादा बता दोगे उसमें मैं पूछूंगी, ठीक है? पार्टनरशिप में तुमसे पूछूंगी, ठीक है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तुमसे पूछूंगी और एलएलपी बता दूंगी, ठीक? चल हाँ बच्चा.